नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ महिंद्रा का 20 kVA सिंगल फेस ओपन जनरेटर, जो कि मेरी शॉप में पूरी तरह से रिकंडीशन हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें इंजन में हमने पूरा फुल काम कर दिया है, पूरा मेजर काम कर दिया है। लाना, पिस्टन, पंप, नोजल सबका काम किया है, सब एक नंबर का काम हुआ है। लड़का स्टार्ट कर रहा है, देख सकते हैं लड़के ने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें हम रेडिएटर लगा के इसे 1.5 घंटा इसको हम खाली चलाएंगे, क्योंकि इंजन में नया काम होने के बाद इसको खाली चलाना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। लोड अच्छा लेता है बाद में इंजन, देख सकते हैं इसको हमने पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिया, न्यू बना दिया पेंट करके। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, इसमें धीरे धीरे लोड डालेंगे हम। इसकी फ्रेक्वेंसी मैं आपको दिखाऊँगा, 51 फ्रेक्वेंसी हमने इसमें सेट कर दिया है। वोल्टेज भी दिखाऊँगा, 240-242 इसमें वोल्टेज सेट हुआ है। अब इसमें हम वाटर लोड डालेंगे धीरे धीरे करके दोस्तों। ये देख सकते हैं बहुत से लोग हमारी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि काम बोलता है दोस्तों। काम अगर आपका इंजन का फुल होगा तभी आपका जनरेटर अच्छा चलेगा, नहीं तो दूसरे लोग क्या है जनरेटर ला गए हैं, इसमें काम वाम करते नहीं हैं, यहाँ तक आयल भी चेंज नहीं करते, कस्टमर को दे देते हैं और कस्टमर को परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है उसे। ये सारा काम हम आपको हमारे पास एक नंबर का ही मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं धीरे धीरे जनरेटर में लोड डालना चालू हो गया। 51 एम्पियर, 13 एम्पियर, 54 एम्पियर, 55 एम्पियर, 56 एम्पियर, 57 एम्पियर, धीरे धीरे फुल लोड डालना चालू हो गया। देख सकते हैं 60 एम्पियर में स्मूथ इंजन चल रहा है, कोई धुआं नहीं है, साइलेंसर का धुआं चल रहा है दोस्तों। काम बोलता है दोस्तों, एक नंबर का काम होगा तभी चीज़ अच्छी चलेगी। एक तक से 60 एम्पियर, 61 एम्पियर, 62 एम्पियर, 63 एम्पियर, 75 एम्पियर तक इसमें हम लोड डालेंगे, 70 एम्पियर, 74, ये देख सकते हैं दोस्तों लोड फुल लोड डल इसमें डल गया है। 74 एम्पियर, 75 एम्पियर देख सकते हैं। फिर से हम एक बार और उसमें लोड डालेंगे दोस्तों, शुरू से लेके 12 एम्पियर, 21 एम्पियर, 23 एम्पियर, 24 एम्पियर। महिंद्रा का 25 kVA सिंगल फेज जनरेटर है दोस्तों, बहुत शानदार इंजन होता है डीजल के मामले में, माइलेज के मामले में। देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ इंजन चल रहा है, सारा काम आपको ना एक नंबर का मिलेगा, सारी चीज़ आपको एक नंबर की मिलेगी। अब ये डिस्पैच के लिए रेडी है दोस्तों, देख सकते हैं हमने पूरी तरह से डिस्पैच के लिए रेडी है। दिए गए नंबर में जल्द से जल्द ऑर्डर करें। धन्यवाद।